हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। मैं हूं रितेश और आज है 19 अगस्त। 19 अगस्त से झारखंड के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन्हें हम लोग देखने वाले हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स को हम लोग बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। बात करेंगे इस क्लास की, तो ये जो क्लास आप देख रहे हैं ये क्लास रोजाना सुबह 5 बजे होती है, जिसमें हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। तो इस क्लास को आप लोग रोजाना अटेंड करें। इस क्लास को आप लोग लास्ट तक देखें क्योंकि लास्ट में आपसे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर दें। और लास्ट में हम लोग झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिविजन भी करते हैं, तो इस क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए। बात करेंगे इस क्लास के पीडीएफ की, तो पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पे आप सभी लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ मिल जाएंगी, सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी, सभी क्लासेस के आपको अपडेट्स देखने को मिल जाएगी, झारखंड की वैकेंसी से संबंधित सभी डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो पीडीएफ के लिए और सभी डिटेल्स के लिए आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू जाकर आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ऐप पर जाकर झारखंड एजुकेशन हब ये सर्च करके भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं और चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आज हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के कितने पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो झारखंड के कितने पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 14। झारखंड के 14 पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और 15 अगस्त के दिन इन 14 पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित जो है किया गया है। साथ ही साथ झारखंड के 28 पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित भी किया गया है, तो इसे भी आप लोग याद रखें। और झारखंड के 2 ऐसे पुलिसकर्मी है जिन्हें गृह मंत्री मेडल से भी सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 14। झारखंड के 14 पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में 15 अगस्त को, कब? 15 अगस्त को झारखंड के 14 पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित जो है किया गया है। इसमें आईपीएस विजय शंकर सहित कुल 14 पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसे हम लोग पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, जिसे पीएमजी के नाम से जाना जाता है, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री इसे पीएमजी के नाम से भी जाना जाता है, या फिर हम लोग वीरता पुरस्कार भी कह सकते हैं। तो झारखंड के 14 पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन कौन वो 14 पुलिस है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, तो आप ये देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि झारखंड के 14 पुलिस कर्मियों को 15 अगस्त के दिन यानी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता के दिन जो है वीरता पुरस्कार से, या फिर हम लोग कह सकते हैं पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जिसे पीएमजी के नाम से जाना जाता है, सम्मानित किया गया है। साथ ही इसी दिन 15 अगस्त के दिन ही झारखंड के 28 पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित भी किया गया है। तो राष्ट्रपति पुलिस पदक से झारखंड के 28, देखिए आप इन्हें याद रखिए, झारखंड के 28 पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से, झारखंड के 2 पुलिस कर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री मेडल से, केंद्रीय गृह मंत्री मेडल से सम्मानित किया गया है। और झारखंड के 14 पुलिस कर्मियों को पीएमजी यानी वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। तो इसे आप लोग तीनों को आप लोग जरूर याद रखें। टोटल बात करें तो टोटल झारखंड के 44 यानी 44 पुलिस कर्मियों को सम्मानित जो है किया गया है। झारखंड के कितने? तो झारखंड के टोटल 44 पुलिस कर्मियों को सम्मानित जो है किया गया है, जिसमें से 28 जो है राष्ट्रपति पुलिस पदक से, 2 जो है केंद्रीय गृह मंत्री मेडल से और 14 को जो है पीएमजी पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। आप ये देख सकते हैं पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जिसे पीएमजी के नाम से जाना जाता है, या फिर हम लोग वीरता पुरस्कार भी कह सकते हैं। तो इसके लिए झारखंड के 14 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया है, झारखंड के 28 पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए और गृह मंत्री मेडल के लिए झारखंड के 2 पुलिस कर्मियों को। तो टोटल नंबर बात करें टोटल झारखंड के 44 पुलिस कर्मियों को इसमें सम्मानित किया गया है। तो तीनों को आप लोग याद रखे, एग्जाम पूछा जा सकता है सीधे सीधे कि झारखंड के कितने पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार यानी पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री पीएमजी के नाम से जिसे जाना जाता है उसे सम्मानित किया गया है। तो आप ये 14 पुलिस कर्मियों को देख सकते हैं, इसमें एक
एसपी है जो विजय शंकर है, रांची के एसपी है जो विजय शंकर है, तो आईपीएस विजय शंकर को भी इसमें सम्मानित जो है किया गया है। तो इसे आप लोग जरूर याद रख के, झारखंड के 14 पुलिसकर्मी है जिसे पीएमजी के सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो आप ये देख सकते हैं। पीएमजी में कुछ इस तरीके का मेडल जो है दिया जाता है। अब देखिए झारखंड पुलिस की हम लोग बात कर रहे थे, झारखंड पुलिस की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है कि झारखंड पुलिस का मोटो क्या है। झारखंड पुलिस का मोटो है सेवा ही लक्ष्य। मोटो जो है सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि झारखंड पुलिस का मोटो क्या है। तो झारखंड पुलिस का आप लोग मोटो याद, झारखंड पुलिस का मोटो है सेवा ही लक्ष्य। झारखंड पुलिस के वर्तमान में डीजीपी कौन है, तो झारखंड पुलिस के वर्तमान में डीजीपी है नीरज सिन्हा, और आप ये नीरज सिन्हा को देख सकते हैं, ये है नीरज सिन्हा और ये वर्तमान में झारखंड पुलिस के डीजीपी हैं, तो इन्हें भी आप लोग याद रखें। चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दें, साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष सहित आईपीएस अधिकारी अमिताभ चौधरी का निधन हो गया है। तो अमिताभ चौधरी की बात करें, इनका निधन हो गया है 16 अगस्त को, ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही दुख की बात है कि आईपीएस अधिकारी सह पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष अमिताभ चौधरी का निधन जो है 16 अगस्त को हो गया है। तो हाल ही में पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष सह आईपीएस अधिकारी अमिताभ चौधरी का निधन हो गया है, और इनका निधन जो है 16 अगस्त को हो गया है। ये बीसीसीआई के कई अहम पदों पर भी सेवा दे चुके हैं और बतौर आईपीएस ये रांची के एसएसपी भी रह चुके हैं। तो रांची के एसएसपी भी ये रह चुके हैं और आईपीएस अधिकारी भी ये थे, जेपीएससी में अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं और बीसीसीआई के कई अहम पदों पर भी इन्होंने सेवा दी है। तो इनका निधन अभी कब हो गया है, 16 अगस्त को इनका निधन हो गया है। आप इन्हें देख सकते हैं, ये है अमिताभ चौधरी और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये बतौर एसएसपी रांची के, रांची में अपनी सेवा भी दिए थे, तो इनका भी हाल ही में 16 अगस्त को निधन हो गया है, तो आप इन्हें याद रखें जरूर। हाल ही में राज्य में निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण नियमावली को लागू किया गया है। तो देखिए झारखंड सरकार के द्वारा निजी क्षेत्र में यानी प्राइवेट कंपनी में स्थानीय लोगों के लिए 75% यानी 75% नियमावली को लागू किया गया है, जिसमें जो स्थानीय लोग हैं उन्हें निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण दिया जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 75% यानी 75%। अब देखिए झारखंड में निजी क्षेत्र में यानी प्राइवेट कंपनियों में स्थानीयों के लिए 75% आरक्षण जो है दिया जाएगा। इसके तहत स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र के कंपनियों में 75% आरक्षण दिया जाएगा, जिससे यहाँ की बेरोजगारी की समस्या से निजात मिल सकती है। इसमें 40,000 से अधिक वेतन पाने वाले, देखिए 40,000 या फिर 40,000 से ज्यादा वेतन पाने वाले जो अधिकारी होंगे, जो ऑफिसर्स होंगे, जो लोग होंगे, उनमें 75% आरक्षण झारखंड के स्थानीय लोगों को दिया जाएगा। तो ये प्रावधान अभी झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है। झारखंड सरकार के द्वारा स्थानीय क्षेत्रों में और निजी क्षेत्रों के जो लोग होते हैं उन्हें 75% आरक्षण देना होगा। इन्हें 75% आरक्षण देना होगा, तो वैसे ऑफिसर्स या फिर वैसे कर्मी जिनकी सैलरी मंथली जो है 40,000 से ज्यादा है, या तो 40,000 हो या फिर 40,000 से ज्यादा हो, तो उन ऑफिसर्स को, उन लोगों को 75% आरक्षण देना होगा स्थानीय लोगों को। यानी मान लेते हैं कि 40,000 कर्मी के 100 लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, जिनमें से 75% जो है स्थानीय लोगों को लेना होगा और आप 25% यानी 25 लोग जो है बाहर से ले सकते हैं। तो ये नियमावली झारखंड सरकार के द्वारा लागू किया गया है, 75% स्थानीय लोगों को क्या दिया गया है, आरक्षण जो है दिया गया है। तो 40 या फिर 40,000 से अधिक वेतन पाने वाले कर्मियों के लिए ही ये लागू किया गया है। तो आप ये देख सकते हैं, पूरा आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है, पूरे आर्टिकल को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो 75% आरक्षण जो है झारखंड सरकार के द्वारा यहाँ पे दिया गया है, ये नियमावली लाई गई है। तो इसे आप लोग याद रखिए, प्राइवेट जॉब में ही दी गई है, आप लोग गवर्नमेंट में ना सोचे,
ये केवल प्राइवेट जॉब्स में ही दी गई है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओपन कराटे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए किस जिले की टीम जो है, किस जिले के खिलाड़ी जो है सुनील थाईलैंड जाएंगे। तो कौन से जिले के खिलाड़ी है सुनील, वो अभी थाईलैंड जाएंगे। तो ये जो है रांची के रहने वाले हैं सुनील, और ये ओपन कराटे प्रतियोगिता के लिए थाईलैंड जाएंगे और वहां पे इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। हाल ही में रांची निवासी सुनील किस्पोट्टा 19 से 23 अगस्त तक थाईलैंड में आयोजित होने वाले ओपन कराटे चैंपियनशिप या फिर ओपन कराटे प्रतियोगिता में भाग लेंगे, और ये भाग लेने के लिए थाईलैंड जो है जाएंगे। रांची स्थित इंटरनेशनल मार्शल आर्ट के तकनीकी निदेशक भी हैं सुनील। सुनील की बात करें तो आप ये सुनील को देख सकते हैं, और ये अभी थाईलैंड जाएंगे। किस लिए जाएंगे, ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये रांची के रहने वाले हैं, और ये थाईलैंड ओपन कराटे चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए जाएंगे, जिसका आयोजन 19 से लेकर 23 अगस्त तक किया जाएगा। आप ये देख सकते हैं थाईलैंड में ओपन क्या किया जाएगा, तो ओपन कराटे चैंपियनशिप का आयोजन थाईलैंड में किया जाएगा, और ये जो है कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये रांची के रहने वाले हैं। तो इन्हें आप लोग याद रखें। हाल ही में रेलवे के द्वारा सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर बासुकी, इसका परीक्षण कब किया गया। तो रेलवे के द्वारा भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर बासुकी, इसका परीक्षण जो है 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 15 अगस्त। 15 अगस्त के दिन इंडियन रेलवे के द्वारा भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर बासुकी, इसका नाम दिया गया। तो नाम को आप लोग याद रखिए, ये क्वेश्चन आने वाले टाइम पे पूछा जा सकता है, भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है। तो भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का परीक्षण जो है इंडियन रेलवे के द्वारा कर लिया गया है, और इसका नाम जो है सुपर बासुकी रखा गया है। तो हाल ही में रेलवे के द्वारा 15 अगस्त को सबसे लंबी रेलगाड़ी सुपर बासुकी का परीक्षण कर लिया गया है। इसकी लंबाई जो है 3.5 किलोमीटर बताई गई, यानी 3.5 किलोमीटर की लंबाई बताई गई है। एक स्टेशन को पार करने के लिए 4 मिनट का समय लग रहा है, ऐसा बताया गया है। इसमें कुल 295 डिब्बे हैं। कितने डिब्बे हैं, तो 295 डिब्बे हैं, और ये 27,000 टन से अधिक कोयला ले जा सकता है। तो कोयला ले जाने के लिए इसको शुरू किया गया है, और एक स्टेशन को पार करने के लिए लगभग बताया जा रहा है कि 4 मिनट का समय इसमें लग रहा है। टोटल 295 डिब्बे हैं, और 295 डिब्बे के साथ ये भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी है। इसकी लंबाई जो है 3.5 किलोमीटर बताई जा रही है। तो आप ये देख सकते हैं, ये भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी है, इसका नाम है सुपर वासुकी। तो सुपर वासुकी आप लोग नाम को जरूर याद रखें, नाम क्या है, सुपर वासुकी, भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी है। अब देखिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की जयंती कब मनाई गई है। तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की बात करें, इनकी जयंती जो है 12 अगस्त को मनाई गई है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 12 अगस्त। और 12 अगस्त को इनकी 205वीं जयंती मनाई गई है। तो इसे भी आप लोग याद रखें, कितनी भी जयंती मनाई गई है, तो 205वीं जयंती 12 अगस्त को मनाई गई है। अब देखिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के कितने पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित जो है किया गया है। तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दें, और उसके बारे में डिटेल लिखिए। चलिए झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का हम लोग रिविजन करते हैं। अब देखिए इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस जिले में पीएम मोदी के द्वारा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। तो आप सभी को पता होगा पीएम मोदी के द्वारा देवघर जिले में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, देवघर। देवघर जिले में पीएम मोदी के द्वारा एयरपोर्ट और एम्स दोनों का उद्घाटन किया गया है। तो एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया गया है और एम्स का भी, तो 2A हम लोग कह सकते हैं, 2A का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा देवघर जिले में किया गया है। एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया गया है और एम्स का भी उद्घाटन देवघर जिले में ही किया गया है। तो दोनों को आप लोग याद रखें। हाल ही में देवघर जिले में बने एम्स का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो हम लोग अभी देख चुके हैं, पीएम मोदी के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। हाल ही में पब्लिक सेक्टर यूनिट यानी पीएसयू में राज्य के किस जिले के थर्मल पावर प्लांट को 6ठा स्थान दिया गया। तो राज्य के बोकारो जिले के थर्मल पावर प्लांट को, जिसे बोकारो थर्मल के नाम से जाना जाता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट यानी पीएसयू में 6ठा स्थान पूरे देश में दिया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें कब राष्ट्रीय सादगी दिवस मनाया, तो राष्ट्रीय सादगी दिवस की बात करें ये 12 जुलाई को मनाई गई है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 12 जुलाई।
हाल ही में कब रांची यूनिवर्सिटी का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो रांची यूनिवर्सिटी की बात करें, इसका स्थापना दिवस 12 जुलाई को ही मनाया गया है। ऑप्शन सी जो है इसका भाई सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।